नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और मेरे इस ब्लॉग पे आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारे साथ है एक हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हो चुके हैं और इनका नाम दिलीप यूट्यूबर है। नहीं, दिलीप यूट्यूबर नहीं है, मेरा नाम दिलीप चौरसिया है भाई। अच्छा, इनका नाम दिलीप चौरसिया है और आप मतलब यूट्यूबिंग करते हैं, इसलिए इनका नाम, चैनल का नाम दिलीप यूट्यूबर है। तो दोस्तों, इनसे मेरी बात हो रही थी तकरीबन 2-3 महीनों से, तो आज मुझे मौका मिला है कि इनके गांव आ सकूं और गांव में आके इनसे मुलाकात कर सकूं। और जब मैं यहां पहुंचा हूं तो हालात कुछ ऐसे हैं कि गेहूं के खेत हैं और खेतों में अक्सर आप अगर गांव से हैं तो जानते हैं गांव में आग लग जाया करती है अक्सर गेहूं के खेतों में, जैसे कि लपटे अगर थोड़ी सी भी आग अगर पकड़ गई तो पूरा खेत जल जाता है। क्यों भाई? वो जो कि दोस्तों धूप चल रहा है, धूप है खूब तेज और आंधियां जैसे चल रहा है जो कि बहुत तेज, और उसमें जैसे कि सब गेहूं कट चुका है, तभी भी गांव के जो प्लान होते हैं, पलानी उलानी होते हैं, झोपड़ी होती है, वो जलने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अब लगता है तो यार बुताना पड़ेगा, नहीं तो गांव पूरा जल जाएगा अपना। तो वही अपने गांव में अब आग घुसने वाली थी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे हमारे वीडियो में, छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। दोस्तों, इस वक्त हम 4 लोग हैं और हम लोग इस वक्त कार में बैठे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। तो इनके गांव आया हूं दिलीप भाई के, और आप मेरे अब दोस्त हो चुके हैं और हमारे साथ 2 साथी और हैं जिनसे आपका मैं परिचय इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको, और मैं चाहूँगा कि आप स्वयं इनसे जानिए। ये लोग भी यूट्यूबर हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप इनसे मिलिए। मिस्टर सिंह से पहले मिल लेते हैं, दूर से आए हैं, बताइए अपने बारे में। मेरे चैनल का नाम है टेक क्रिएटर और मेरा नाम है रोशन सिंह, ठीक है। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप सर्च कर सकते हैं टेक क्रिएटर, यूजी नंबर 1 में मेरा ही चैनल है, ठीक है। तो उसको मैं टेक से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ। अपना चैनल का नाम बता दें फिर से। अच्छा, भैया का दे दीजिए, भैया बता दें। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीर और मेरा चैनल का नाम है प्रवीर मोंची ब्लॉग के नाम से, जो कि मैं दिलीप का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ। तो सर आए हैं हम लोग से मिलने के लिए और यहाँ पे भी इंटरव्यू होगा, जो कि अभी सर आपका वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई मेरे पर आकर चैनल को सब्सक्राइब कर। अपने चैनल का एक बार फिर से नाम? प्रवीर मोंची, प्रवीण मोंची जी, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नाम दे दूँगा चैनल का। तो दोस्तों, बैक हो जाते हैं हम दिलीप भाई के पास, और थोड़े से सवालात जो मेरे जहन में चल रहे हैं, जाहिर सी बात है जब भी कोई नया यूट्यूबिंग स्टार्ट करता है तो उसके पास सवालात बहुत होते हैं, अंबार खड़ा होता है कि भाई मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं क्वेरीज है मेरी, जो मैं डाउट क्लियर करने आऊँ तो कर लूँ, और ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं लूँगा क्योंकि टाइम सभी का कीमती होता है। तो दोस्तों, मैं पहले तो दिलीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यूट्यूबिंग जब से की अब तक तकरीबन 2 साल हो चुके हैं आपको, तो 2 सालों में आपने मतलब कि जैसे सब्सक्राइबर्स जब गेन करने हुए, बढ़ाने हुए, तो उसके लिए आपने क्या कुछ टेक्निकलिटीज यूज़ की, मतलब के लोगों से मीटअप किया, उससे ज़्यादा ग्रो होते हैं सब्सक्राइबर, के अपना कुछ नया टैलेंट शो करने से ग्रो होते हैं, आप बताइए इसके बारे में कैसे ग्रो होते हैं। इसमें दोनों जो आप बोले हैं ये दोनों यूज होता है। जैसे कि इसमें देखा जाए तो या तो अपना हुनर भी दिखाना पड़ता है, जैसे कि मेरे ज़्यादातर और भी लोग उस वाले वीडियो से जुड़े जो मैंने बाज़ार में बैठ कर सब्ज़ी बेचा था, और उस टाइम भी उसमें जो कि ज़्यादातर उसका भी कहते हैं कि भाई मैं आपको देखा था जो सब्ज़ी बेच रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बहुत आपको लाइक किया, जो कि वो बंदा जो बाज़ार में बैठ कर बहुत सारे लोगों के सामने बना रहा है वीडियो। और सेकेंड नंबर जो कि मनोज भाई भी हमको सपोर्ट किए, आज चल रहा है, मतलब आप प्रकृति के करीब रहते हैं, अपने घर की सब्जी होती है जो हम तक या लोगों तक पहुंचती है। दोस्तों, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जो भी किसान भाई है उनका, और दिलीप भाई भी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो दोस्तों शहर वाले जो हैं, शहर में रहते हैं, मैं भी एक गांव का बंदा हूं, लेकिन हमारे यहां खेतीबाड़ी से हम लोग का उतना ताल्लुक ज़्यादा नहीं है, लोगों को दे देते हैं खेत, वो लोग खेती करते हैं। और जो शहर में रहते हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है कि हम लोग बैठे रहते हैं, मार्केट तक जाते हैं, आलू कैसे किलो है, टमाटर, धनिया, प्याज या भिंडी कैसे किलो है, ये पूछते हैं और ले लेते हैं। लेकिन उसे पैदा करने में जो कुव्वत लगती है, जो मेहनत लगती है,
उसके बारे में हम वाकिफ़ नहीं होते हैं। और आपको देखिए बाहर का मैं एक लुक दिखाऊं, बाहर का नज़ारा दिखाऊं, फिर आप समझ पाएंगे कि कितनी धूप कितनी बरसातें झेल के खेती होती है। आप यहाँ बैठे बैठे समझ सकते हैं, अंदाज़ा लीजिए। ये जो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं वो खेत हैं, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे आग लगी थी, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे से आपको दिखेंगे, वो आग अब बुझा दी गई है। तो ये सब भी एक किसान के जीवन के पहलू हैं जो कि झेलना पड़ता है उसको। और ये बाहर देखिए इतनी धूप है, और ये जो धूप है और खेतों में आप देख रहे हैं कटे हुए गेहूँ के छोटे छोटे तने, अभी उसकी बिल्कुल इसको क्या किया जाएगा दिलीप भाई? इसका भी भूसा कटाएगा, भूसा कटेगा। हाँ। ये जो छोटे छोटे तने से हैं, हाँ। इनको फिर से बराबर करेगा किसान। हाँ, जैसे कि इसको भूसा कटाएगा और उसके बाद से भूसा काटने के बाद जब भूसा कट जाएगा तो या तो इसको जला दिया जाएगा शाम के टाइम, दिन में यदि आंधी इतना तेज चल रहा है कि जलाया जाए तो गाँव भी जल सकता है, इसीलिए सब कुछ बुताया है दिन में। और अब जब ये गेहूँ कट जाएगा, ये गेहूं कट चुका है और जब भूसा कट जाएगा तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, तब या तो जला देंगे जिससे राख बनेगा, राख से भी जंग भी करते हैं तो उपजाऊ होता है खेत में। अभी आपने अपने आंखों से देखा खेत चलते हुए। देखिए मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि इस वक्त जब मैं पहुंचा हूं यहां पे तत्काल आग लग गई है, और पीछे भी कुछ गाँव में जब गुजर रहा था मैं अपनी गाड़ी से तो मैंने देखा कि उधर भी आग लगी हुई है। दोस्तों ये किसान को कितना कष्ट होता है। चलिए भूसा भी कटा नहीं है, बहुत सारे लोग भूसा भी नहीं कटा हुआ है, और ये बच जाता है तो इसका भूसा बचता है ना, इसका और ये जल जाता है तो भूसा भी नहीं मिलता, नहीं लेता है, गाय खाएगी नहीं। हमारे जो पशु होते हैं उनको चारा भी नहीं मिलता है। सही बात है दोस्तों। चलिए ठीक है, ये सब तो देखिए दुख सुख अप एंड डाउन लाइफ के पार्ट हैं, ये चलते रहते हैं और इन्हीं में हमें अपना जीवन को आगे चलाना भी होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ दिलीप भाई से कि अब हम लोग मिल चुके हैं तो मिलके हम लोग कुछ अच्छा काम करेंगे एक साथ। और मेरा एक चैनल है prakash.pblogs करके, आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिलीप भाई जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं आप उनके लिए अपना चैनल का नाम बता दीजिए। सो फ्रेंड, तो मेरा चैनल का नाम है दिलीप यूट्यूबर, और मैं एक देसी लाइफ स्टाइल बनाता हूँ वीडियो, जैसे कि अपने ही लाइफ स्टाइल पर दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ यार, खेत में कैसे रहता हूँ, या कहीं ट्रेवल करता हूँ तो हम लोग कैसे ट्रेवल करते हैं, वो सारा चीज़ हम दिखाते हैं। और इसी तरह चल रही है भाई अपना ज़िंदगी, क्या कर रही है ज़िंदगी का नाम ही है कि गाड़ी कहते हैं लाइफ को, कि चलती रहे तो अच्छा है दोस्तों। और हम इसी के साथ अपने दो दोस्तों के साथ और विदा लेते हैं, आप सभी को यहीं पर हम इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहते हैं और आप सभी को बाय करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम सभी की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।